आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। एक अनोखे मंदिर में जहां बिना तेल और बत्ती के जलती है ज्योति, वहीं भारत के एक चमत्कारी मंदिर में आज भी धड़कता है भगवान का दिल। हवा में लटकते हुए एक खंभे पर कैसे टिका हुआ है पूरे मंदिर का भार और कैसे एक बड़े से पर्वत को तराश कर बना है महादेव का ये विशाल मंदिर, आइए जानते हैं। नंबर 6, कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र। भगवान शंकर का ये कैलाश मंदिर आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस मंदिर को एक बड़े से पहाड़ को तराशकर बनाया गया है, जिसकी खूबसूरती और नक्काशी लोगों को आज भी आश्चर्यचकित कर देती है। इस मंदिर को राष्ट्रकुल राजा कृष्ण प्रथम ने 756 और 773 ईस्वी पूर्व में बनवाया था। मंदिर की दीवारों पर लिखे लेख काफी पुराने हैं, जिसकी भाषा आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। मंदिर की संरचना को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4,00,000 टन का पत्थर तो काटकर हटाया ही गया होगा। इसीलिए अगर 7,000 मजदूर 150 सालों तक काम करें तब जाकर इसका निर्माण कार्य पूरा हो सकता है, लेकिन असल में मंदिर को 17 वर्ष में ही बनाकर तैयार कर लिया गया था। तब के समय में बिना क्रेन और आधुनिक मशीनों के आखिर ये कैसे संभव हुआ, आज भी लोग समझ नहीं पाते हैं। नंबर 5, वीरभद्र मंदिर। भगवान शिव का यह अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश में बसा हुआ है, जो कि अक्सर ही अपने एक खंभे की वजह से चर्चा में बना ही रहता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग कि इस पूरे मंदिर का पूरा भार हवा में लटके एक ही खंभे पर टिका हुआ है। इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर या फिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। मंदिर का ये खंभा जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठा है, इसीलिए लोगों के बीच में यह हमेशा चर्चा का विषय बना ही रहता है। नंबर 4, श्री जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को प्रभु श्री कृष्ण के धरती के बैकुंठ के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्थापित मूर्तियों में भगवान का दिल आज भी धड़कता है, लेकिन वहीं पुरी के ही लोग मानते हैं कि ये भगवान का दिल ना होकर बल्कि ऐसी कोई ब्रह्म वस्तु है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर प्रसाद को 7 मिट्टी के बर्तनों में पकने के लिए एक के ऊपर एक करके रखते हैं, बावजूद इसके सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है। नंबर 3, अनंतपुरा लेक टेम्पल। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अनंतपुरा लेक टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। केरल का यह मंदिर 9वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया है। यहाँ मंडप की छत के अंदर आपको लकड़ी का नक्काशी करके बनाया हुआ भगवान विष्णु का 10 अवतार भी दिखता है। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसकी रक्षा एक मगरमच्छ के द्वारा करी जाती है। ये मगरमच्छ कभी मांसाहारी भोजन न करके सिर्फ पके हुए चावल और गुड़ को खाता है। मगरमच्छ का नाम बाबिया था, जिसे लोग अपने हाथों से बिना किसी डर के प्रसाद खिलाते थे। कुछ समय पहले ही बाबिया का देहांत हो गया था, जिसे मंदिर परिसर के लोगों के साथ भक्तों ने भी श्रद्धा भाव से अंतिम विदाई दी थी। नंबर 2, बिजली महादेव मंदिर, हिमाचल प्रदेश। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर यहाँ हर 12 साल में गिरने वाली बिजली की वजह से अक्सर चर्चा में बना ही रहता है, जिससे मंदिर में स्थित भगवान शंकर का शिवलिंग टूट जाता है और उसे बाद में पुजारी के द्वारा मक्खन से जोड़ दिया जाता है, जो कि कुछ समय बाद जुड़ भी जाता है। मंदिर का ये रहस्य लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहता है। नंबर 1, ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। ये मंदिर माता के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जिसे ज्योतावाली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता के शरीर के 51 टुकड़ों में से यहाँ माता की जीभ गिरी थी। माता यहाँ ज्वाला के रूप में जबकि भगवान शंकर भैरव के रूप में स्थित है। इस मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकली 9 ज्वालाओं की पूजा करी जाती है। आज तक ये बात किसी को पता नहीं चली कि बिना तेल और बत्ती के आखिर यह ज्वाला कैसे जल रही है और आज तक कोई इस ज्वाला को बुझा क्यों नहीं पाया है। इसमें से आपको कौन सा मंदिर सबसे रहस्यमय लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।